हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? कल का वीडियो में आप लोग देखे थे ना, ये हम सारा पाइपिंग वाइपिंग किए थे किस तरह से, तो वहाँ तक वीडियो आप लोग देखे हैं कि कॉपर पाइपिंग कैसे हम लोग बिछाए हैं, कैसे सपोर्ट लगाए हैं, सारा चीज़ देखने को मिला है। और देखिए, रेफिनेट पे हम लोग लगा चुके हैं और रेफिनेट पे हम लोग टेप मारे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे रेफिनेट पे, सारे जॉइंट पे हम लोग टेप लगाए हैं कि जब हाई प्रोटी हम लोग चलाएंगे तो प्रेशर कहीं से निकले ना। तो हम सब जगह लगाए हैं और ये हमारा बत्ती भी आ चुकी है, देख सकते हैं। कल ये सब सामान नहीं था हमारे पास और आज हम हाई प्रोटी भी ला दिए हैं, जिसको नाइट्रोजन बोलते हैं। नाइट्रोजन का एक है बढ़िया नाइट्रोजन, उसको हाई प्रोटी बोलते हैं। और हमारा वायर भी आ चुका है, जो कम्युनिकेशन वायर बोलते हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ब्रेजिंग करके सारे रेफिनेट को, जो वाई ज्वाइंट को, सारे ज्वाइंट को, वाई ज्वाइंट को, वी वेन को, सारे को हम ब्रेजिंग करके और प्रेशर डाल देंगे 500 PSI, और ड्रेन पाइप डाल देंगे और तार डाल देंगे। 8 का टारगेट हमारा यही है, कितना काम ख़त्म कर दे। और आप लोग को दिखाएंगे तो आप लोग भी कुछ सीख लेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई प्रोटीन चलाने का व्यवस्था हम बना लिए हैं। ये देखिए, ये हमारा हाई प्रोटीन इधर से जाएगा गेज के रास्ते और ये सिस्टम में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे हम NRV लगाए हैं, NRV के माध्यम से हमारा पतले वाले पाइप से जाएगा और यहाँ मोटे वाले पाइप देख सकते हैं टेप से हम बंद करके और इसमें होल कर दिए हैं बीच में, कि यहाँ से हल्का हल्का एयर निकलता रहे। और यहाँ पे बत्ती चलाने का ट्राई मार रहे हैं हमारे उस्ताद जी। तो ब्रेजिंग हम शुरू करेंगे यहीं ज्वाइंट से और आप वीडियो में बने रहिएगा, बस स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ आप देखिएगा। इनसे बत्ती नहीं जलेगी, हम जलाते हैं, आप वीडियो में बस बने रहिए। देखिए फाइनली हम बत्ती जला चुके और हम स्टेप बाय स्टेप करके सारा ब्रेजिंग मारेंगे। ये हमारा वेल्डिंग राड है। जब भी हम पाइप को ब्रेजिंग मारेंगे तो पहले हम मारेंगे जिस पाइप में हमारा हाई प्रोटी चल रहा है, जिसमें हमारा नाइट्रोजन प्रेशर 5 PSI 7 PSI जो चल रहा है, इसमें जिसको हाई प्रोटी बोलते हैं, 5 से 7 PSI से बेसी नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसा हाई प्रोटीन छोड़िए कि आग जलाइए तो आग बुझे ना, सिर्फ लपट मारे, उतना इस पर प्रेशर छोड़ना है, तगड़ा प्रेशर नहीं छोड़ना है। और प्रेशर क्यों छोड़ते हैं, ये चीज़ आप लोग के माइंड में रहता है कि हम इसमें हाई प्रोटीन या नाइट्रोजन हम रनिंग करके क्यों ब्रेजिंग मारते हैं। तो जो उस्ताद लोग हैं, जो काम जानते हैं, जो काम सीख रहे हैं, उनको माइंड में रहता होगा, लेकिन जो काम कर रहे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं फील्ड में, VRF HVAC सारा चीज़ का एक्सपर्ट है, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। जो नए टेक्नीशियन है उनके माइंड में चलता है कि हम ये हाई प्रोटीन मुन्ना भाई क्यों चला रहे हैं या कोई भी VRF वाला क्यों चला रहा है। बहुत लोग VRF ऐसी का काम करते हैं, बिना हाई प्रोटीन का सब कुछ जोड़ देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं लोग, फ्लश कर देते हैं अच्छे से। ठीक है भाई आपका, लेकिन आप एक बार हाई प्रोटीन चला के अब ब्रेजिंग मार के देखिए और पाइप को काट के देखिए कि आप बिना हाई प्रोटीन का जो ब्रेजिंग मारते हैं वो अंदर का पाइप किस टाइप का है, और जो हाई प्रोटीन चला के ब्रेजिंग मारे वो किस टाइप का है। एकदम चमकेगा शीशा की तरह अगर हाई प्रोटीन चला के ब्रेजिंग मारे हैं तो, जैसे पाइप नया रहता है साफ अंदर, उसी तरह से आप हाई प्रोटीन चला के ब्रेजिंग करेंगे उसी तरह से आपका पाइप साफ रहेगा, समझ जाइए इतना ही। लेकिन लोग फ्लश मार देते तो गर्दा निकल जाता है, लेकिन पाइप में कालापन रह जाता है, वो भी एसी ठंडा करता है, वो भी काम करता है। तो अगर हाई प्रोटीन चला के काम कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप उसको एसी को जीवन दान दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए हाई प्रोटीन चलाते हैं कि हमारा पाइप अंदर गंदगी ना हो और अंदर कोई कालापन ना हो, हमारा ना आयल गड़बड़ हो, काला हो, और ना हमारा EV खराब हो, इसीलिए ये सब हम काम करते हैं। तो हम देखिए, हम लिक्विड वाले जो पाइप था हमारा, जिसको लिक्विड पाइप बोलते हैं, डिस्चार्ज पाइप बोलते हैं, वो पतला वाला वायर होता है, उसको हम क्या किए, पूरा ब्रिजिंग मार दिए, हमारा उसी में हाई प्रोटीन चल रहा है। और ये पूरा उधर घूम के जाके, जो वहाँ पे हम लोग AC लगाते हैं, आपस में पाइप लूप किया रहता है, अभी आपको भी दिखाए होंगे इसके पहले वाले वीडियो में। और इसमें भी देखिएगा आप, अगर आप VRF AC का काम सीखना चाह रहे हैं और करना चाह रहे हैं तो ये हमारा दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि VRF AC का, VRB AC का, HB AC का काम कैसे होता है।
पूरा हम जीरो से दिखाए हैं इसके पहले वाले वीडियो में जो हम डाले थे और आज वाले वीडियो में, दोनों देख लेंगे तो आपको पूरा जीरो से लेकर लास्ट तक मालूम चल जाएगा कि कैसे वायर डालते हैं, कैसे ब्रेजिंग करते हैं, कैसे हाई प्रोटीन चलाते हैं, कैसे ड्रेन पाइप डालते हैं, ड्रेन पाइप में एयर वाले क्यों छोड़ते हैं। आपको सारा चीज़ देखने को मिलेगा, सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और इस तरह का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन वाला बटन दबा के ऑल कर लें। तो आप लोग समझते नहीं हैं, आप लोग को तो ध्यान खाली रील देखने में होता है। मुन्ना भाई बड़बड़ाते रहें, बात करते रहें, कोई मतलब नहीं है। मुन्ना भाई गर्मी मर मर के वीडियो भी बनाएं और आप लोगों को कुछ सिखाएं भी, तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों करेंगे। अरे भाई, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज लगता है क्या? थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब करते, लाइक करते, कमेंट करते तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। हम भी सोचते हैं, हर किसी को हमारा टारगेट है हर कोई इंजीनियर बने। कोई लड़का फील्ड में आता है, उसको लोग बताने वाले नहीं मिलते हैं, वो बेचारा काम छोड़ के भाग जाता है। तो उन लड़कों के लिए हमारा वीडियो ज़्यादातर होता है कि वो भागे ना भाई। आपको काम नहीं सीखना है तो हमारे पास आइए, हम आपको काम सिखाएंगे। लेकिन आजकल तो लोग काम सीखने कम ध्यान है, पैसा कमाना ज़्यादा ध्यान है। तो भाई दोनों काम नहीं हो पाएगा, या तो आप काम पहले सीख लीजिए तब पैसा कमाइए, अगर पैसा कमाना है फिर लेबर ही करिए, हमारे ही काम में आइए, झिर्री काटिए, स्क्वायर फिट से पैसा लीजिए। तो पैसा कमाने का बहुत ऑप्शन है, लेकिन काम आप सीख लीजिए, उसके बाद पैसा ही पैसा छापना है मोर भाई। हम कहाँ कह रहे हैं एक घंटे में 2000 कमाओ, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन काम तो सीख लीजिए भाई। आप देख सकते हैं पसीना से मुन्ना भाई डूबे हुए हैं, फिर भी ब्रेजिंग कर रहे हैं। तो काम है, चाहे जो भी हो, हाई प्रोटीन चल रहा है तो ब्रेजिंग मारना है, लगातार मारना हाई प्रोटीन चला के। और देखिए अब हमारा ये 1 मिनट का पाइप है। आप हम इसके पहले वाले वीडियो में सारा हम पाइप का ड्राइंग भी दिखाए हैं कि कौन कौन साइज़ का कहाँ कहाँ पाइप है, सेम उसी ड्राइंग के हिसाब से यहाँ हम काम भी किए हैं। आप देख सकते हैं हमारा 3321 का रेफिनेट है और इसको ये जो 1 मिनट का पाइप दिखाई दे रहा है जो हम गर्म कर रहे हैं, यही पाइप आउटडोर को जाएगा हमारा 1 मिनट और हाफ का। 1 मिनट को हमको 28 mm बोलते हैं और हाफ को हम 12 mm बोलते हैं। तो ड्राइंग में mm में लिखा रहता है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको mm देख के आप हाफ क्वार्टर फोर इंच थ्री वोट सब कुछ बोल सकते हैं। ये हाफ का है, क्वार्टर का है, 3/8 का है, 5/8 का है, 6/8 का है, 7/8 का है, 1/8 का है, तो आप ऐसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो आजकल गांव देहात के लोग हैं तो हम लोग यही आसानी लगता है कि हाफ का क्वार्टर mm में नहीं बात करते हैं। तो ड्राइंग में हमारा VRM में mm में लिखा रहता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं तो आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। देखिए हमारे उस्ताद लोग जो हमारे साथ रहते हैं, उनको हम सारा चीज़ दिखाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे बत्ती चला जाता है, सपोर्ट कैसे मारा जाता है, सपोर्ट कैसे नापते हैं, ड्राइंग कैसे देखते हैं, और हम सारा चीज़ वीडियो में भी दिखाते हैं, वीडियो में भी बताते हैं कि कैसे हम काम करते हैं, सारा चीज़ हम दिखाते हैं। हम तो कोई ये नहीं हम कहते हैं कि नहीं दिखाते हैं। एक भाई का कमेंट आया था इसके पहले वाले वीडियो पे कि पूरा जीरो से लास्ट तक वीडियो बना के दिखाइए, तो भाई आसान नहीं है, थोड़ा यहाँ काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसलिए यहाँ हम आपको पूरा हम दिखा दिए दो ही वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो ऐसा हमारा, आप लोग जो समझते हैं कि VRM का काम इतना तेज़ी से हो जाता है, बहुत तगड़े में काम किए हम लोग कि 2-2.5 दिन में पूरा काम कंप्लीट किए हैं। तो इसलिए हम वीडियो आपको पूरा दोनों वीडियो में आपको अगर देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि VRM एसी का काम कैसे करते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो जाकर फिर रील देख लीजिए, अगर समझ आया तो फिर टेक्निकल वीडियो देखते रहिए मोबाइल पे और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। और आपको भी इतिहास रचना है, आपको भी जुनून होना चाहिए काम सीखने का, पैसा कमाने का। तो बेरोजगारी से हैं परेशान तो सीखें ऐसे काम, बाकी मुन्ना भाई है ही हैं, कोशिश करते हैं कि डेली बाई डेली वीडियो डालने के लिए। तो आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए और सीखते रहिए और फिर मिलते हैं दूसरे वाले वीडियो में, बने रहिए वीडियो में। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारा पूरा ब्रेजिंग हो गया, ये देख सकते हैं हमारा ब्रेजिंग हो गया, ये पूरा कंप्लीट कर दिए एक रेफिनेट को। अब हम बढ़ेंगे दूसरे वाले ब्रेजिंग को करने के लिए, आप वीडियो में बने रहिएगा, बस देखते रहिए हमारा तमाशा। तो फाइनली गाइज आप देख सकते हैं ये भी हमारा ब्रेजिंग हो गया, दूसरा वाला भी और तीसरा वाला भी ब्रेजिंग हो गया। हमारा एक रेफिनेट हमारे ख्याल से बचा है बस, अब उसका नंबर आ गया ब्रेजिंग करने का। पूरे पसीने से लथपथ हो गए हम लोग,
काम करना है भाई तो थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो बस देखते रहिए, बस यही हमारा उपकार है। और यही हमारा रेफिनेट बच गया, देखिए टेप लटका हुआ है, अब इन्हीं को मारते हैं हम ब्रेजिंग, उसके बाद थोड़ा हम बाहर निकल के हवा खाएंगे भाई, गर्मी से एकदम भीगे हुए हैं। तो आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार दीजिए, बाकी तो हम आपको इंजीनियर बना देंगे। देखिए रेफिनेट लगाए हम लोग, इसी को रेफिनेट, इसी को विवेन, इसी को सब कुछ बोलते हैं। वीडियो में बने रहिए बस। तो आप देख सकते हैं हमारा ए भी कंप्लीट हो गया भैया, हो ए भी ब्रेजिंग हो गया। अब बचा हमारा जो लूप लूप है, जहाँ जहाँ हमारा लूप है, जैसे ए हमारा लूप है, तो हम देंगे अपने उस्ताद जी को ब्रेजिंग करने के लिए, कि वो भी थोड़ा बत्ती चलाना सीखें, कि लूप को ब्रेजिंग मारेंगे तो ये भी बत्ती चलाना सीखें। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करके कैसे ब्रेजिंग मार रहे हैं हमारे उस्ताद जी। हमारे साथ जो लड़का रहता है, हम तो उसको सोचते हैं एकदम 21 साल में इंजीनियर बना दें, अब बन भी जाते हैं लोग। जो लड़का अगर टैलेंट होता, देखिए अभी इनको 3-4 महीना हमारे ख्याल से हुआ, इनको टैलेंटेड बना दिए, बत्ती देखिए चला ले रहे हैं फर्स्ट क्लास के। बत्ती आपको जलाने आ गया तब ब्रेजिंग मारने आ जाएगा। लोगों को लगता है कि बत्ती हम जला देंगे, लेकिन जलता नहीं है, जब हाथ में आपके आएगा ना तो भक भक बुत जाएगा। अब इनसे मिलवाते हैं हम, ये भी अभी आए हैं हमारे साथ। क्या भाई काम आता है, काम कर लेते हो, एक काम कर लेते हैं ब्रेजिंग मार लोगे। ये उस्ताद हैं हमारे, बाकी आप वीडियो में बने रहिए। तो देख सकते हैं हमारा नंबर आ गया, पूरा कंप्लीट हो गया ब्रेजिंग व्रेजिंग मार के, और हम प्रेशर डालने लगे यहाँ पे, और बोल दिए हम झाँक बनाने के लिए उन लोगों को, तो लोग झाँक बनाएंगे। और ये धीरे धीरे हमारा प्रेशर जा रहा है, तो अभी हम 200 प्रेशर डालेंगे, उसके बाद पूरा लीकेज चेक कराएंगे, फिर 500 डालेंगे, फिर लीकेज चेक कराएंगे। तो हम 200 इस डाल के लीकेज चेक करें, कहीं लीकेज हो तो नाइट्रोजन हमारा बर्बाद ना हो भाई। नाइट्रोजन सस्ता नहीं है, महंगा है नाइट्रोजन, मालिक लोग का दर्द होने लगता है ज़्यादा नाइट्रोजन खपत हो जाती है। तो किसी का अनर्गल नहीं करना चाहिए, काम कर रहे हैं तो एक बार क्या दिक्कत हमको दो बार लीकेज चेक करने में, दो बार नहीं 3 बार चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये भी पंच हो गया है, और टोटल ब्रेजिंग हो चुका है आप देख सकते हैं, और प्रेशर जा रहा है। तो हम घूम घूम के सुन रहे हैं कहीं पुइया नहीं रहा है, और ये हमारे उस्ताद ही झाँक लेके आ गए देख सकते हैं, और फटाफट ये झाँक मारेंगे, लीकेज चेक कर लेंगे। हमारे एक्सपर्ट लोग बहुत तेज हैं, बस हम बोले धाए दे लीकेज है का भाई, यहाँ लीकेज नहीं है, वो बस घाज है तो कहीं फूलता है, डर लगता है भाई, वैसे मारते हैं हम लोग, लीकेज नहीं होता है। आप लोग के आशीर्वाद दुआ से, ईमानदारी से काम करेंगे, सब काम आपका अच्छा होगा। चिटिंगबाजी नहीं करिए काम में, ईमानदारी से काम करिए, सारा काम आपका अच्छा होगा। बस लगे रहिए, किसी काम में जुनून होना चाहिए काम करने में। अगर ब्रेजिंग मार रहे हैं तो ब्रेजिंग में जुनून होना चाहिए कि लीकेज ना रहे। हाई प्रोटीन चल रहा है तो इसका टेंशन नहीं लेना है, तो ब्रेजिंग बस मारिए, ध्यान रखाइए कि अपने ब्रेजिंग पे कि गड़बड़ ना हो, हमारे कहने का मतलब ये है। तो लोग ऐसा ही बस स्टेप बाय स्टेप सब दिखाएंगे आपको हम। ये देखिए हमारा 500 कंप्लीट होने वाला है, और यहाँ भी हम लोग लीकेज चेक करिए पूरे गेज उज पे लगा हुआ के। कितने लोग भाई हमारे कमेंट मारते हैं गेज पे कि इतना कबाड़ गेज वर नया ले लो भैया। अरे भैया नया गेज खरीदें, लीकेज निकल गया, दो गेज निकल गए, गेज खरीदे निकल गए, लेकिन ये हमारा पुराना साथी लीकेज नहीं है, हम गेज लगा कर छोड़ देते हैं, इस गेज पे हमारा विश्वास है। बाकी गेज तो आजकल खरीद रहे हैं, लीकेज रह जा रहा, दिमाग ख़राब हो जाता है। वीडियो में बनल रहो बस लोगों। ये देखिए हमारा नंबर आ गया ड्रेन पाइप का, हमारे उस्ताद जी फटाफट ड्रेन पाइप लगा रहे हैं, ये हमारा ड्रेन पाइप है, और इसमें हम जब कैसेट एसी में ड्रेन पाइप डालेंगे तो बिना इंसुलेशन का नहीं डालेंगे। तो ये हमारा देखिए इंसुलेशन आया है, और ये इंसुलेशन जैसे कॉपर पाइप पे चढ़ाते हैं वैसे ड्रेन पाइप का आप देख सकते हैं, इस पर हम लगा कर चढ़ाएँगे, हर जॉइंट पर टेप मारेंगे, देखिए कितना अच्छे से चल रहा है। तो ऐसा ही हम लोग ड्रेन पाइप बिना इंसुलेशन का नहीं डालेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा ड्रेन पाइप का काम हो रहा है, ये हमारा कैसेट एसी है, देखिए दोनों कॉपर पाइप और हमारा ड्रेन पाइप, और ड्रेन पाइप डालने के बाद हम क्या डालेंगे, तार डालेंगे। तो आप स्किप कर देंगे तो मज़ा नहीं पाएंगे, स्किप करके नहीं देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और मज़ा आएगा, और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए ड्रेन पाइप में हम लोग एयर फ्लो छोड़े हैं कि
पानी प्रेशर से निकल जाए, इसीलिए इसको एयर फ्लो बना दिए हैं। और 3 एयर फ्लो बनाना है कि पानी आराम से हमारा ससका के निकल जाए, कोई दिक्कत ना हो। और देखिए सब कैसेट ऐसी है हमारा टोटल, और सारा में ड्रेन पाइप हो रहा है, और अभी हम लोग तार भी डालेंगे। और आज हम प्रेशर डाले हैं तो आज हम ड्रेसिंग नहीं करेंगे, बस हमारा इस वीडियो में ड्रेसिंग का काम बाकी रह जाएगा, बाकी और काम हम कर देंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा बस। तो गाइज हमारा देख सकते हैं हमारा नंबर आ गया वायर डालने का, जिसको हम लोग कहते हैं ना कम्युनिकेशन एरर, तो यही है कम्युनिकेशन का वायर। आप लोग हमेशा करते ना कम्युनिकेशन एरर कम्युनिकेशन एरर कम्युनिकेशन, यही कम्युनिकेशन वायर है, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन वायर। पूरे गर्मी से लथपथ, बहुत गर्मी है, पूरा शर्ट हमारा भीग गया है, गर्मी है, कोई बात नहीं। ये हमारा वायर डालने का प्रक्रिया स्टार्ट हो गया है, और पूरा वायर देख सकते हैं एक जगह से खिंचा रहा है, ये लास्ट जाएगा जिधर आउटडोर जा रहा है, हम पीछे से डाल रहे हैं, हमको आउटडोर से डालना चाहिए लेकिन हम इधर से डाल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, दोनों तरफ से डालिए, बस आप माइंडेड होना चाहिए कि तार कैसे पड़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा बिजली का पाइप है, इसी में हम डालेंगे, इसलिए पाइप में डालते हैं कहीं बाद में चूहा हुआ खतरनाक ना बन जाए, खतरा ना पहुँचाए चूहा हुआ। तो बाकी लोग देखिए ड्रेन पाइप में इंसुलेशन डाल रहे हैं, और एक हमारे उस्ताद जी जो हैं वो ड्रेन पाइप कर रहे हैं, और हम लोग तार डालते हैं, और रात भी हो गया और तार डाल के हम लोग काम ख़त्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरा हमारा तार पड़ रहा है इसी के साथ पाइप के साथ, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आउटडोर तक हमारा तार चला गया है, और यहाँ पे जो खींच रहा है डबल तार खिंचा रहा है, इसका भी वीडियो हम बना के अलग से डाले हैं कि वायर को कैसे डाला जाता है, कहाँ कहाँ पे खींचा जाता है, कंप्लीटेड हमारे चैनल पे वीडियो है वायर का, सिर्फ ओनली वायर का ही वीडियो है। तो देखिए हम लोग सिंगल वायर खींच के ले जाते हैं, उसके बाद उसी के बीच में से हम डबल खींच के निकाल के हर एसी को देते हैं, जैसे एक जगह से आया एसी में, फिर वहाँ से निकला दूसरे एसी में गया, इसी तरह से लूप करके हम लोग इस तरह से लगाते हैं। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बस स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ देखने को मिलेगा। अगर वीडियो देखे कुछ सीखे हो, कुछ मालूम चला बिहार का काम कैसे होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अब बेल आइकन बटन दबा के ऑल कर दें, हम हमेशा इस तरह के वीडियो डालते हैं। वीडियो पूरा देखे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कुछ सीखे हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमारे वीडियोस कुछ सीखे हैं, हमको अच्छा लग जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से मिलेंगे दूसरे वाले वीडियो में, तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।